Let us know when we're live. वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी. हमेशा की तरह आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर तकी. तकी साहब एक कॉलमिस्ट हैं, अपने आप को डिस्क्राइब कॉलमिस्ट के तौर पे करते हैं, बड़े डॉक्टर भी हैं. वो नहीं ये इंट्रोडक्शन में लिखते, और ओरिजिनली पिशावर से हैं लेकिन अब ये फ्लोरिडा में कयाम पजीर हैं. इनकी उम्र भर की वाबस्तगी है प्रोग्रेसिव यानी रोशन ख्याल और पश्तून नेशनलिस्ट तहरीकों से और सियासी जमातों के साथ. इंटरेस्ट इनके काफ़ी ज़्यादा हैं, तारीख पे गहरी नज़र है, शायरी पे, मौसीकी पे, और इस्लामी तारीख भी काफ़ी जानते हैं. ज़बानें काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, अंग्रेज़ी उर्दू के अलावा फारसी और हिंद को, और क्या अरबी भी है? शुद्ध बुद्ध है, अरबी जानी जानता. अच्छा, तो हुआ ये कि रिसेंटली बहुत डिस्कशंस एकदम से स्टार्ट हो गई थी, लगा पैसा कि आउट ऑफ नोवेयर है, कोई माह डेढ़ माह पहले, और वो डाई डाउन नहीं करें. हमारी जो टीवी पे दिफाई तजिया निगार हैं और फिर जो हुकूमती पार्टी के वुजरा और मुशीर हैं, उनकी तरफ से यकदम ये प्रपोजिशन आनी शुरू हो गई कि क्यों ना इसराइल को कर लिया जाए तस्लीम पाकिस्तान की तरफ से, और कितना पाकिस्तान के फायदे में होगा, और ये इंटरेस्ट्स होते हैं, दोस्तियां नहीं होती. तो तकी साहब से गुफ्तगू करेंगे और उनसे इसके ऊपर कुछ सवालात रखेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये एकदम क्या हो गया, पाकिस्तान क्या प्रेशर में किसी के आ गया या खुद चाहता, हुआ क्या. 73 साल गुजर गए हैं, हमारी एक पोजीशन रही है कि हमने जब तक ये शरायत फला फला पूरी नहीं होंगी तो हम नहीं उसको रेकग्नाइज करेंगे. डॉक्टर साहब, ओवर टू यू. जी, अस्सलाम वालेकुम गुल, आपको सलाम एहतराम, आपके सुनने देखने वालों को बहुत एहतराम. बहुत बरवक्त आपने मौजू का इंतखाब किया. गो के अरब इसराइल मसला 73-74 साल से गिना जाता है, मगर है करीबन 125 साल पुराना मामला है. हमारी गोद में यूं आ पड़ा कि पाकिस्तान की बाजी हुकूमतें, बिलखसूस मिलिट्री हुकूमतें, ये वक्तन फोक्तन ये कोशिश करती रही हैं कि किसी तरीके से इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए. और मेरे नज़दीक एक एक बड़ा मखसूस यूनिक पोजीशन है इसराइल फलस्तीन के मामले की पाकिस्तान की सियासत में, कि जिस पर पाकिस्तान की दाएं बाजू, बाएं बाजू और सेंट्रिस्ट सियासी कुवतों और अफकार रखने वालों लोगों का इत्तेफाक है, और रोज अव्वल से है, बल्कि शायद उससे भी पहले से, कि पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ बयानात इसराइल के हवाले से और जूश सेटलमेंट्स जो वहां पर डेवलप हो रही थी वो दी. तो इसका एक एक बहुत बड़ा तारीखी पस मंजर है. और पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे इस तमाम कोशिश के बावजूद किसी हुकूमत को, जबकि के वो अपनी पूरी कुव्वत में भी रही हो, जैसे कि बाजी मिलिट्री हुकूमतें, ऐसी जरूरत नहीं हुई कि वो इसराइल को तस्लीम करने की बात करे, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो लेजिटिमेसी है पाकिस्तान में सियासी फिक्र की और हुकूमत की, वो दाएं बाजू के लोग और बाएं बाजू के लोग वो कोशिश करते हैं कि वो कायदे आजम जिन्ना के अफकार या उनके बयानात या उनकी कुछ स्टेटमेंट्स या स्पीचेस से वो ड्रॉ करें, उससे निकालें. तो इसके ऊपर पहले दिन से पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो ये रही है कि जब तक फलस्तीनी उस मसले के हल को नहीं मानेंगे, पाकिस्तान भी नहीं मानेगा. और ये बात फलस्तीन के साथ मशरूत रही है, अरबों के मानने के साथ मशरूत नहीं रही है, क्योंकि इसमें इस मसला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एक नुआंस्ड सिचुएशन है, यानी इसके मुख्तलिफ परतें और तहें हैं इस मसले की. बुनियादी तौर पे तो इसको अरब इसराइल या मुसलमान यहूदी
रेफरेंस में फ्रेम किया जाता है, मगर बुनियादी तौर पे तो ये फलस्तीन का कौमी मसला है, इट्स अ नेशनल इशू फॉर द पैलेस्टीनियंस। और जना साहब इसके अंदर बड़े वाज बातें कर गए अपने जमाने में कि वो सेटलमेंट्स के बड़े सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने जब हैरी ट्रूमन अमेरिकन सदर ने कोशिश की कि वो ब्रिटेन के ऊपर जोर दे कि वो 1 लाख या 1 मिलियन यहूदियों को इजाजत दें वहां पे आबादकारी की, तो जना साहब ने इतना सख्त स्टेटमेंट दिया कि जो आज भी तारीख का हिस्सा है। किसी ने कहा कि ये हैरी ट्रूमन ने ऐसे किया वैसे किया, उसने कहा कि ये तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का लफ्ज इस्तेमाल किया जना साहब ने, इससे सख्त लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल हो नहीं सकता था। तो ये तारीखी पस मंजर पाकिस्तान के हवाले से है। फिर एक इस्लामी तशख्स आहिस्ते आहिस्ते जो है वो पाकिस्तान का भी डेवलप हुआ और फलस्तीन के अंदर भी ये मामला रहा, लेकिन हमारे नज़दीक बहरहाल ये एक दीनी मामला नहीं है, ये एक कौमी शनाख्त का मसला है कि एक कौम की जमीन के ऊपर बाहर से लोग आकर जो है वो आबाद हुए और जोर जबरदस्ती से उन्होंने उस जमीन के ऊपर कब्जा किया, फिर एक रियासत बनाई और एक फिक्र के तहत बनाई जिसको कि सहनियत या ज़ायनिज्म कहा जाता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन लोगों को वहां से बेदखल और बेघर किया कि जो साल साल से वहां रहते चले आ रहे थे। और मैं फिर कायद आजम का हवाला दूंगा, उन्होंने फरमाया कि इसराइल और सहूनियत जो है वो ये चाहते हैं कि जो जमीन उन्होंने 2,500 या 4,000 साल पहले किसी जंग में हार दी वो अब ब्रिटिश बंदूकों और संगीनों के जरिए वो वापस ले लें। तो ये सिर्फ जूश मसला नहीं था, इसके अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल कुवतें इन्वॉल्व थी, उस वक्त भी थी, बाद में भी रहीं, होती चली गई। और आज का मसला भी जब अब आपने ये सवाल पूछा है कि ये पाकिस्तान क्यों करना चाहता है, तो इसके अंदर बहुत सारे अवामिल जो है वो कार फरमा है। उसके अंदर अमेरिका क्या एक मकसद है, उसके अंदर जो खलीजी खलीज फारस के अरब ममालिक हैं उनका एक अपना इंटरेस्ट है इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात बहाल करने का। पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी शायद मुमकिन है किसी वक्त पे हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान शायद ये एक फिशार और एक प्रेशर के नीचे ये सोच रहा है, कर रहा है। तो इसी पे रहते हैं कि पाकिस्तान किस प्रेशर के नीचे कर रहा है, क्योंकि क्या ये प्रेशर बैरूनी है या ये प्रेशर अंदरूनी है। बैरूनी पे मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये कयास आया है कि जो अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अब ये नहीं मालूम कि वो बात हद तक दुरुस्त है, लेकिन अंदरूनी प्रेशर तो समझ आते हैं। जो मेरे जहन में समझ आते हैं वो ये कि इस वक्त जो लोग, क्योंकि देखे ना बात इसके बारे में कर कौन रहा है, इसके बारे में डिफेंस एनालिस्ट और हुकूमती वजीर मशीर कर रहे हैं, तो वो आपको पता लग जाता है कि ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। और अगर हम उसको इस बैकग्राउंड में देखें कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीडीएम के दबाव में है, मईशत ख़राब होने के दबाव में है, उसको कहा जा रहा है कि सिलेक्टेड हुकूमत को भेजो, और इंटरनेशनली हमने देखा है बहुत ज़्यादा हो गई है आइसोलेट, तो शायद अगर वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लें तो उसकी काफी सारे ब्लॉक्स में आइसोलेशन एटलीस्ट वक्ती तौर पे खत्म हो जाएगी। जैसे मिडिल ईस्टर्न ब्लॉक है, सऊदी अरेबिया का, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह, इसके बारे में आई मीन डू यू थिंक दैट दैट्स पॉसिबल? इंडीड इंडीड। देखिए तारीखी तौर पे हुआ ये कि पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री हुकूमतें कुदेता के जरिए आई, चाहे 58-59 में अयूब खान की हुकूमत आई हो या 77 में जियाउल हक की हुकूमत आई हो, आमिरियत कहना चाहिए, हुकूमत मुंह से निकल गया, मुशर्रफ की आमिरियत जो है 1999 में आई, उसके बाद उर्दू की एक मिसाल है कि बिल्ली के भागों छींका टूटा। तो हुआ यह कि अयूब खान के भागों, वहां पे कोल्ड वॉर ने इतनी तुंदी और तेजी पकड़ ली कि अयूब खान को अमेरिकन कैंप में जाने का मौका मिल गया, सीटो सेंटो वगैरह। उन्होंने हमारे पेशावर का बडबेर का एक बेस जो है वो सीआईए को बेच दिया, जहाँ से यू टू
उड़ा करते थे, तो उनको एक विंडफॉल मिला, बहुत बड़ा पैसा अमेरिका से और इस तरह की इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज जो है वो मिला। जियाउल हक ने 77 में भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, भुट्टो साहब को एक अदालती कत्ल के जरिए सियासी और पाकिस्तानी मंजर से हटाया, तो उस वक्त भी वो एक सोशल इंटरनेशनल सोशल पराया बनने की सिचुएशन में थे, मगर एक ऐसा सूरत हाल पेश आ गई कि अफगानिस्तान में इनकलाब हुआ और वहां पे सोवियत यूनियन जो है वो उनकी फौजें वहां पर आ गईं, तो जियाउल हक को मौका मिल गया कि अमेरिका की पुश्तिबानी उसको फिर हासिल हो गई 1987 में ब्रिजेंस की, और सदर कार्टर ने पाकिस्तान की इमदाद जो है वो शुरू कर दी और वो साल साल तक चलती रही। इसी तरह 99 में मुशर्रफ ने जब मियां साहब नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो वो भी एक पराया की हैसियत रखता था, यानी उसको उछूत या शूदर कहें आप इंटरनेशनल मामलात में, मगर हुआ यह कि 2001 में 9/11 का मसला हुआ और अमेरिका को पाकिस्तानी मिलिट्री की जरूरत पड़ी, तो 8-10 साल मुशर्रफ को भी उसी तरीके से इमदाद मिलती रही, यानी $33 बिलियन की कम अज कम इमदाद जो है वो रजिस्टर्ड पाकिस्तान की फौज को गई बुनियादी तौर पे। तो ये विंडफॉल जो है वो इन इन मिलिट्री रेजिम्स को मिलते रहे। अच्छा, उस वक्त तो इंटरनेशनल हालात ऐसे थे कि कुछ ना कुछ या इलाके में हो रहा था या दुनियावी तौर पे हो रहा था, अब कोई ऐसी सूरत हाल है नहीं। जब पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान का प्रोजेक्ट शुरू किया, तो अक्टूबर 2011 में पहला जलसा जो है वो जनरल पाशा साहब ने इनका ऑर्गेनाइज किया लाहौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी जिसकी के पार्किंग तक की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्होंने करवाई थी, कि इतनी मोटरें आएंगी, इतने आदमी है, इतने बंदे, इतने झंडे, ये सारा कुछ उन्होंने तय किया था। पहली दफा पे उनको नाकामी हुई, दूसरी दफा उन्होंने झटके से वगैरह वगैरह अल्टीमेटली उनको लाकर बिठा दिया। अब हुआ ये कि वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट वॉज अ डड, ये मिसाइल नहीं था, ये डड था, यानी गिरता ही जो है फोका फोका पटाखा जो होता है ना उसको डड कहते हैं, तो ये फोका पटाखा था। वो चला नहीं। इक्तिसादी तौर पे इन्होंने जो उम्मीदें बांधी हुई थी या अपने जहन में इन्होंने इख्तिरा की हुई थी कि इमरान खान आएगा और ऐसा पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बहने लग जाएंगी, वो चीज तो हुई नहीं। और हुआ यह कि इमरान खान ने इंटरनेशनल सतह पे भी कुछ ऐसी बोंगियां मारी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात एग्जिस्टिंग ताल्लुकात थे गल्फ कंट्रीज से, यूएई से, अरब ममालिक से, अच्छे बुरे का मैं नहीं कहता, लेकिन बहरहाल वो थे और उनके थ्रू ऑयल फैसिलिटीज, वैसे क्रेडिट्स, डायरेक्ट कैश, ये चीजें जो है वो पाकिस्तान को हासिल थी, उसकी वजह से वो भी तकरीबन बंद हो गई। अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात जो है वो अफगानिस्तान की वजह से भी पेचीदा रहे, मजीद दूसरी वजह से, तो वो जो इंटरनेशनल विंडफॉल इन लोगों को मिला करता था वो था नहीं। और अब कोई दुनिया में ऐसी हालत है नहीं, कोल्ड वॉर मौजूद नहीं है, कुछ और इस तरह के सिलसिले नहीं, तो कोई ऐसी भैंस इनको अब क्रिएट करनी है कि जिसको निचोड़ के इस मौजूदा सूरत हाल में वो दूध जो है वो हासिल किया जाए। तो इस वक्त इनको ये नजर आ रहा है कि अगर हम किसी तरीके से अरबों की बात मान लें और इसराइल के साथ हम ताल्लुकात हमवार कर लें, तो ये जिस तरीके की सूरत हाल है कि भाई सऊदी अरब अपना कर्जा वापस मांग रहा है, यूएई अपना कर्जा वापस मांग रहा है, चीन ने ये कह दिया कि भाई हम आपकी सॉवरन गारंटीज नहीं मानते, यानी किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के लिए तो ये डूब मरने का मकाम है कि आपका सबसे बड़ा दोस्त जिसको आप कहते हैं कि शायद से मीठा और हिमालय से ऊंचा और लोहे से फौलाद से ज्यादा मजबूत दोस्ती है, वो ये कह रहा है कि हम आपकी सॉवरन गारंटी को नहीं मानते, तो ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। तो इस सूरत हाल में ये डेस्परेट है, यानी बिल्कुल जो कुछ इनके हाथ चढ़ रहा है उसको डूबते को तिनके का सहारा, तो अब तिनका इनको ये दिखा है कि चूंकि अरब ममालिक अपनी वजूहात की बुनियाद पर इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो ये उस किश्ती में किसी ना किसी तरीके से सवार हो जाएं। और ये पहली बार नहीं है, ये इन्होंने पहले भी किया है। जी हाँ, मुशर्रफ के जमाने में मुशर्रफ साहब ने, आपने शायद जिक्र भी किया था कि मुशर्रफ साहब भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आप ये था अर्ज कर देता हूँ, ये मुमकिन है बाजे लोगों के लिए खबर हो,
लेकिन 2005 में महमूद कसूरी की मुलाकात तो मालूम है कि शलोम के साथ जो है वो ठीक तवसुत से हुई, लेकिन जो चीज शायद ज्यादा मंजर आम पर नहीं है और मैं आपको खबर दे देता हूँ उन लोगों के हवाले से जो उस मीटिंग में मौजूद थे, मुशर्रफ साहब ने कुछ लोगों से ये कहा कि आप इसराइल के साथ एक चैनल ओपन करें, उसमें सिविलियन भी गए, कुछ अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो उन्होंने दौरा किया इसराइल का, फिर इसके बाद कुछ बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने इसराइल के साथ कांटेक्ट जो है वो ओपन किया और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ किया, जिसके नतीजे में कुछ इसराइली ऑफिशियल जो हैं वो इस्लामाबाद पिंडी तशरीफ लाए और एक मीटिंग वहां पर हुई जिसमें जनरल मुशर्रफ और उस जमाने के आईएसआई के डायरेक्टर जनरल एहसान, हमारे पश्तून है वो उसमें बैठे हुए थे। वो मीटिंग हुई और उसके आगे कुछ मजीद पेशरफ भी हुई, हत्ता के इसराइलियों ने जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक उन्होंने मुशर्रफ साहब से ये पूछा कि भाई आप चाहते क्या हैं, हम बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो अंग्रेजी के मकोले के मुताबिक प्रेसिडेंट मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ गॉट कोल्ड फीट, उनको उस वक्त ये डर पैदा हो गया कि अगर मैं इसराइल को रिकग्नाइज कर लूं, ये सारी चीज मान लूं, तो जो अंदर का मामला है वो चौपट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान में एक बिल इत्तेफाक ये राय है, दाएं बाजू बाएं बाजू मौलवी प्रोग्रेसिव सबकी ये राय है कि इसराइल का मामला जो है उसमें चाहे आप उसको दीनी एतबार से देखें या कौम परस्ती के एतबार से देखें या नेशनल क्वेश्चन के एतबार से देखें, उसमें फलस्तीनियों के लिए एक जो हमदर्दी है वो पाकिस्तान में बिल्कुल यूनिवर्सल है, कराची से खैबर तक इसी तरीके से मौजूद है। तो मुशर्रफ को उस वक्त ये डर लगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी हुकूमत चौपट हो सकती है या कम से कम उनके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो वो भाग गए उस वक्त। तो यहाँ पे फिर मैं ऑडियंस को याद कराऊंगी कि देखिए जितना हमारे पास एविडेंस है, जितना के मुशर्रफ साहब ने किया और अब ये भी एक हाइब्रिड जनता है तो यही कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करी है, लेकिन जिन लोगों से ये बातें करवाई जा रही हैं आप नोट फरमाइए कि वो नाम लेते हैं नवाज शरीफ का और बेनजीर का और कहते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बात है, इतने वफ्त उन्होंने भेजे, हालांकि किसी एक वफ्त का कोई ऐसा वफ्त जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपने बंदों का भेजा उसका कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, उनके अखबार में एस्टेब्लिशमेंट के रबते रहते होंगे क्योंकि डील तो यही करते थे इसराइल के साथ, लेकिन डाला किस खूबसूरती से जा रहा है। और दूसरी आपकी बात जो थी कि वो फंस गए और वो तो वो ख्याल था कि मेरा ख्याल है जो अपना ये प्रोजेक्ट लाए थे उनका ख्याल था कि इतना हैंडसम है कि डॉलर पर बरसेंगे, वो नहीं बरसे तो अब इसराइल को मानने पे इसराइल को मानने पे नौबत आ चुकी है दोबारा से फंस फंसा जाने के बाद। अच्छा, हम पहले बात कर रहे थे कि ये जब तक फलस्तीनी इसको हल ना समझें और इसको एक्सेप्ट ना करें या जो भी है, तो हम कौन होते हैं एक्सेप्ट करने वाले। तो फलस्तीनियों के लिए 40 साल तो पीएलओ ने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर वो खुद भी एक्सेप्ट करके बैठ गए, तो उनका उनका सही नुमाइंदा कौन होगा, कौन सा फैक्शन, क्या किस तरीके से उसको देखा जाए? देखिए, कुछ जमीनों की तारीखी तौर पे बड़ी बदकिस्मती रही है कि वो ऐसी उनकी जोग्राफियाई लोकेशन है उन लोगों की कि वो तारीख के धारे उनको क्रिस क्रॉस करते रहे हैं। फलस्तीन है, अफगानिस्तान है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है, ये ऐसी जमीनें हैं कि अंग्रेजी फ्रेज के मतलब लैंड ऑफ गॉड, लिटरली, क्वाइट लिटरली, रिसोर्सेज के लिहाज से भी, लोगों के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, मगर बदकिस्मत जमीनें। इनके ऊपर तारीख के ऐसे जबर गुजरे के जिनकी वजह से वो इस मुसीबत में हैं जैसे कि वो हैं। फलस्तीन की लीडरशिप का मसला जो है वो पहले दिन से इसी तरीके से है। जब ब्रिटिश मैंडेट के नीचे फलस्तीन रहा अर्ली 1900 से लेकर 1948 कमोबेश तक, उस वक्त भी उनकी लीडरशिप
को मार के काट के जेल करके जलावतन करके फलस्तीन बदर कर दिया गया। जो पहला फलस्तीन रिवोल्ट है 1936-1939 वो इंडिजिनस था, वहां के अपने लोग उठे और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो जंग आजादी लड़ी जो नाकाम हुई, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जो भी फलस्तीनी यानी एबल बॉडीड मैन जो लड़ने की या सियासी जद्दोजहद करने की उम्र के लोग थे उनको वहां से निकलना पड़ा। इसी तरह तारीखी तौर पे फलस्तीन की लीडरशिप जो है वो मुंतशिर रही है। कभी उनको अगर जगह भी मिली, पनाह भी मिली, तो वहां से भी उनको निकलना पड़ा, बवजू जॉर्डन से, लबनान से, सीरिया से, ट्यूनिसिया से, इस तरीके से। तो इस वक्त मौजूदा तौर पे फलस्तीनियन अथॉरिटी है, जाहिर है उनके अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, गाजा के अंदर हमास है, वेस्ट बैंक और दूसरी तरफ जो है वो फलस्तीनियन अथॉरिटी की बात है, मगर बिलउमूम उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनके मुफक्किर हैं, उनके दानिश्वर हैं, जिनकी बात हम सुनते चले आ रहे हैं और जिन्होंने इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर अपनी आवाज बहुत मसलन मैडम हन्नान अशरफी जो हैं उन्होंने इस जब ये यूएई और मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का पैक्ट हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत संजीदा बयान दिया और उस लहजे में तासुफ भी था, गिला भी था, वो सारा कुछ था। तो इन इन लोगों से भी इंदिया लिया जा सकता है कि हम किसकी तरफ देखें। तो बहरहाल फलस्तीन के नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं, टेम्पलेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ऐसे टेम्पलेट्स जो मुत्तफिका हैं, ऐसे टेम्पलेट्स जो यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वामे मुत्तहिदा ने, मिसाल के तौर पर जो उनकी रेजोल्यूशन 242 है अक़वामे मुत्तहिदा की 1967 की लड़ाई के बाद, जिसमें उन्होंने साफ उसके अंदर कहा हुआ है कि विड्रॉल ऑफ द इजरायली फोर्सेस फ्रॉम ऑल द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग दिस वॉर, इसके ऊपर बुनियाद है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि सऊदी अरब ये कह रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, इसको मान लो, तो जो 2002 का अरब पीस प्रपोजल था वो तो सऊदी अरब ने चैंपियन किया ना जी, उसमें उन्होंने भी यही कहा कि बुनियादी तौर पे इसराइल फलस्तीनी स्टेट को माने तो अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो बहाल करें। तो सऊदी तो अपने ही लाए हुए प्लान के ऊपर जो है वो दे हैव मेड अ यू टर्न, उससे मुकर गए हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि फलस्तीन के नुमाइंदे नहीं है। देखिए, फलस्तीनी आज भी ये कहते हैं कि आप जो मर्जी एग्रीमेंट लिख लें, जमीन पर तो हम हैं और हम रहेंगे और उस जमीन पर वो सैकड़ों हजारों साल से मौजूद हैं। हकीकत ये है कि ये मसला ना 1948 में शुरू हुआ, ना ये मसला जो है ये हॉलोकॉस्ट के साथ इसका ताल्लुक है। सहूनी रियासत या ज़ायनिज़्म जो है ये तो 18th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। उस वक्त तो हिटलर नहीं था, उस वक्त तो स्टालिन नहीं था, उस वक्त तो माओ ज़ेडुंग नहीं था, कोई नहीं था। जब थियोडोर हर्ज़ल ने ये उसके बावजूद उसके जी मैं गुजारिश ये कर रहा था कि थियोडोर हर्ज़ल ने जब अपनी किताब द ज्यूइश स्टेट लिखी, कि जो उनकी एक किस्म का रोड मैप है हिस्टोरिकल ज्यूइश होम बनाने के लिए, यानी तारीखी यहूदी वतन बनाने के लिए, तो उसमें एक मजे का जुमला उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि ये जो है ये फलस्तीन में भी हो सकता है, ये अर्जेंटीना में भी हो सकता है। यानी अंदाजा लगाइए कि ये 1896 में शायद ये किताब छाया हुई है, 1898 में है, तो इर्तिकाज जो है वो फलस्तीन के ऊपर होना जरूरी नहीं था अर्जेंटीना में भी। बल्कि फिर मैं कायद आजम का हवाला दूंगा कि जब उन्होंने हैरी ट्रूमन को क्रिटिसाइज किया और हैरी ट्रूमन ने कहा कि 1 लाख या 1 मिलियन जितने भी थे ये जो है ये फलस्तीन में जाने चाहिए, तो कायद आजम ने कहा कि भाई आप इनको अमेरिका क्यों नहीं ले जाते, अगर इलाके का ही मसला है तो आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, आप वहां क्यों नहीं रखते इनको। तो देखिए जी, वो जमीन जो है वो खरीद के ली गई, वो मार के ली गई, वो लड़ के ली गई, वो गसब की जमीन है बुनियादी तौर पे, इट्स अ यूजर्पेशन। तो जब ये यूजर्ब जमीन के ऊपर ये इस तरीके की कार्रवाई होती है, तो बहरहाल ये तारीख जो है ये बालादस्त की तारीख है जो लिखी गई है, विक्टर्स हिस्ट्री है, और बहुत सारे मुआहदे जो हैं वो भी इसी तरीके से इम्पोज किए गए हैं।
फलस्तीन की अपनी नुमाइंदगी मौजूद है, फलस्तीन के अपने लोग मौजूद हैं और तारीखी तौर पर मौजूद रहे हैं और रहेंगे। अच्छा, यूजर पेशन का तो इशू बिल्कुल है और वो एज यू सेड कि वो कोई 1948 से शुरू नहीं हुआ, 1920 से नहीं शुरू हुआ, वो उस पिछली सदी में प्लान बन चुका था। लेकिन हैविंग सेड दैट, 1948 में फिर भी मेरा ख्याल है जूश पॉपुलेशन वाज अ फ्रैक्शन ऑफ द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा वहाँ सेटलमेंट नहीं हुई थी, वो मेरा ख्याल 2020 के बाद ज्यादा शुरू हुई। सवाल ये है कि अरब ममालिक ने क्या रोल प्ले किया उस टाइम पे? डिफैक्टो बात ये थी कि अपनी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से यूनाइटेड नेशन में एक चीज डिसाइड होती है कि ये हिस्सा आप ले लें या आप ले लें, और चाहे वो इंतहाई गैर मौजू इस लिहाज से कि पाकिस्तान इंडिया की तरह उधर बांग्लादेश पर बीच में इंडिया फिर हम, तो उस वक्त जो आपको मिल रहा था आप ले लेते और बाद में ले दे करके कुछ एक्सचेंज करके लैंड कोई कंटिन्यूस चीज बना लेते, आपने वो नहीं किया और 5 से 6 अरब ममालिक ने धावा बोल दिया। अव्वल तो इसराइल ने बड़ा गलत काम किया कि उन्होंने सारे फलस्तीन के ऊपर अनाउंसमेंट कर दी कि ये तो इसराइल है, और फौरी तौर पे रूस और अमेरिका ने उनको एक्सेप्ट कर लिया उसकी एग्जिस्टेंस को और अरब ममालिक ने धावा बोल दिया। अब हम इतने और उसके बाद इतनी वॉर्स हुई और क्या देखा कि कभी फलस्तीनियों की जमीन ये धावा बोलने वाले अपने पास ले जाते थे, फिर इसराइल उनसे वापस छीनता था, फिर वो अपना वापस लेते थे, और आखिरी मर्तबा जब इजिप्ट और जॉर्डन ने इसराइल को एक्सेप्ट किया तो अपने फायदे के लिए किया। और फलस्तीनियों की तो बीच में कोई से नहीं है, तो इनका अपना किरदार जो ये बनाते हैं पैन अरब और हम अरब ममालिक और भाई भाई, और तो इनका असल किरदार जो है, और फिर पीएलओ का अपना किरदार कितना उसे क्या कहते हैं, कितना पॉजिटिव रहा, कहाँ कहाँ से वो लड़े मारे खाई, दूसरे मुल्कों को खिलवाई, अपने मुल्कों को अपने आप को खिलवाई, लेकिन 40 साल की स्ट्रगल के बाद क्या माने कि अच्छा ठीक है वो यूएन वाला मान लेते हैं। आफ्टर 40 इयर्स ऑफ वॉर्स जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, लेबनान के साथ, हर जगह पे, लेबनान का तो वो खत्म हो गया, तो इनका अपना जो किरदार था वो कितना मुस्बत था, वो कितना दानिशमंदाना या दूर अंदेश था? दानिशमंदाना का फैसला तो तारीख करेगी, मुस्बत का फैसला भी तारीख करेगी। कामयाबी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बिलखसूस फतह की, यासर अरफात की, डॉक्टर जॉर्ज हब्बश वगैरह की, उनके साथ इख्तलाफ किया जा सकता है उनकी टैक्टिक्स के ऊपर, किसी ने कहा ये टेररिस्ट हैं वगैरह, दैट्स अनदर डिस्कशन, उसके अच्छे बुरे में पड़े बगैर, सिर्फ ये तो हम कह सकते हैं कि उनकी तारीखी कामयाबी ये है कि हम और आप आज बैठकर 2021 से एक हफ्ता पहले हम फलस्तीन की बात कर रहे हैं। मैं जो जमीन पे बैठा हूँ ये किसी जमाने किसी में और वजह से कर रहे हैं, हम किसी और नहीं, वो उस वजह पे भी आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल ज्यादा जिक्र तो उनका आया। मैं जो जमीन पे बैठा हूँ ये किसी जमाने में नेटिव अमेरिकन की थी, आज वो क्या के उनकी दास्तां भी नहीं है दास्तानों में। जो सबसे बड़ी सेटलमेंट फ्लोरिडा में थी, जो सबसे पहली सेटलमेंट थी सेंट ऑगस्टीन, वहां पर उन्होंने नेटिव अमेरिकन को कैद किया, तो कम से कम फलस्तीन की तहरीक ने अपने कौमी कॉज को जिंदा तो रखा, ये उनकी बड़ी अचीवमेंट है। क्या वो इससे बेहतर फैसले कर सकते थे? यकीनन कर सकते थे। क्या वो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर जो है वो कुछ अच्छा, अरब ममालिक की क्या अरब ममालिक जो हैं वो उतने ही सेल्फिश और उतने ही खुदगर्ज हैं जितनी के पाकिस्तानी फौज जो है वो इस मामले में है। इसीलिए मैंने शुरू में ये तफसीस डिस्टिंक्शन जो है वो की कि फलस्तीन का मसला जो है वो फलस्तीनी नेशनल क्वेश्चन है, वो अरब नेशनल क्वेश्चन नहीं है, ये दीनी मसला भी नहीं है। फलस्तीन की तहरीक में मुसलमानों का खून भी शामिल है, इसमें कुछ जूश खून भी शामिल है फलस्तीन की तरफ से, और इसमें बिलुमूम जो सख्तगीर रवैया है वो फलस्तीनी क्रिश्चियंस, डॉक्टर जॉर्ज हबश जिनके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम लगता है वो क्रिश्चियन थे, डॉक्टर हनान अशरफी जो हैं वो क्रिश्चियन हैं,
तो ये एक कौमी मसला है, इसलिए डिस्टिंक्शन इसमें। और अरबों ने तो पहले दिन से, यानी उन अरब ममालिक ने जो कि इसराइल से इर्द-गिर्द हैं, उन्होंने ये शॉर्ट टर्म डील्स कट करने की कोशिश की और कहीं कामयाबी उनको ही लेकिन बेशतर नाकाम हुए। मैं गुजारिश करूं कि 1919 में जब 1919 में जंग अजीम खत्म होने के बाद जो आर्मस्टिस वगैरह की जो टॉक्स पेरिस में हो रही थी, तो कर्नल टी लॉरेंस, जिसको पाकिस्तान में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से लोग जानते हैं, उन्होंने एक डील लिखी थी कि जो मौजूदा जो जॉर्डेनियन फैमिली है, इनके बड़े थे हुसैन बिन फैसल या फैसल बिन हुसैन, कुछ ऐसा इनका बादशाह का नाम था, उनकी डील ये थी कि हमें मगरबी कुवतें तुर्कों से आजादी दिलवा दें तो हम जूश स्टेट को मानने के लिए तैयार हैं। ये 1919 में। इसी तरीके से जब 48 में इसराइल बन गया तो मिस्रियों ने उनके साथ जो है वो बातचीत शुरू की, और मेरे ख्याल में सन जिस वक्त सदर नासिर, हालांकि वो पैन अरबिज्म के बानी मुबानी और सबसे बड़े लीडर थे, उनका एक एमिसरी जो है वो मोशे शरत, जो इसराइल के वजीर आजम भी बाद में बने, उनके साथ वो मुजाकरात करता रहा। इसी तरीके से जॉर्डेनियन किंग के अपने मुजाकरात जारी रहे, इसी तरीके से सऊदी अरब वालों के उनके साथ मुजाकरात, तो वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। मौजूदा हालात में जो उनका सबसे बड़ा फंडामेंटल इंटरेस्ट जो है अरबों का, वो सिर्फ ये नहीं कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या अमरीका से जो है वो सिक्योरिटी, उनको एक थ्रेट जो है वो ईरान से है, और ये ईरान की एनसर्कलमेंट के लिए ये जो अरब कुव्वतें हैं उनकी इस तरह की रीअलाइनमेंट, और बिलखसूस इसराइल के साथ उनकी रीअलाइनमेंट जो है, ये खलीज फारस में, इट्स पर्शियन गल्फ, देखिए तारीखी तौर पे कुछ नाम जो है वो दे हैव बीन देयर फॉर अ रीजन, तो पर्शियन गल्फ में ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये उनको सूट करता है, ये उनकी नेशनल इंटरेस्ट में है। क्या ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है? ये तो पाकिस्तानियों को ये फैसला करना चाहिए, और उसके लिए बिलुमूम ये फैसले जो हैं वो पार्लियामान में होते हैं, वो पार्लियामान जो सही तरीके से मुंतखब हुई हो, लोगों के वोटों से हुई हो, ना कि चोरी के डब्बों से पार्लियामान बन के आई हो और वो किसी से वो करवा लिया जाए वो काम। तो अगर इनको कोई शॉर्ट टर्म विंडफॉल मिल भी जाए, जस्ट अ सेकंड, शॉर्ट टर्म विंडफॉल अगर इससे कोई मिल भी जाए कि आईएमएफ की कोई इनको सब्सिडी या कोई लाइन ऑफ क्रेडिट इस किस्म की चीज मिल भी जाए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे पाकिस्तान इसराइल का शायद बराह रास्त तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर आपने दुनिया में जो है वो स्टैंड लिया हुआ है, यही स्टैंड जो है वो फिर कश्मीर के मामले में कैसा नजर आएगा। अगर डिफेक्टो को ड्यूजेरे बनाना है तो जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर जो उनके हाथ चढ़ गया है, तो फिर क्या हम उसको ड्यूजेरे मान लेंगे? अब जैसे कि उन्होंने 370 आर्टिकल खत्म कर दिया, मेरे जैसे लोग तो उसको नहीं मानते। हम कश्मीरियों के लिए भी हक खुद अरादियत चाहते हैं, हम बलोचों के लिए भी चाहते हैं, हम फलस्तीनियों के लिए भी चाहते हैं, तो पाकिस्तान अपनी उस पोजीशन को कैसे जस्टिफाई कर सकेगा कि जो कश्मीर की बाबत पाकिस्तान ने ली हुई है बड़े अरसे से। ओके, सो वी गॉट दैट, आई एम गोइंग टू रैप इट अप, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट। I'm going to wrap it up with one last question. Main puchna tha ki should Pakistan do it, lekin obviously I'm not going to do it now. Your views have already come across. Pakistan ko ek principled position pe rehna chahiye. Having said that, Pakistan kis din se aapko ek principled riyasat lagi hai? Koi pehla din, koi dusra din, koi jo bhi. So karenge to ye bhi koshish wahi karenge jo inko lag raha hai ki inke इंटरेस्ट में है। मेरा ख्याल है कि जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि अगर कोई फायदा होगा तो बहुत शॉर्ट टर्म होगा, और वो भी खास तौर पे इस पर्टिकुलर हुकूमत को, क्योंकि आपको याद होगा जब ये नए नए आए थे तो इन्होंने काफी अच्छे जल्दी जल्दी हर एक के साथ रिलेशनशिप किया, लेकिन वो नाअहली इतनी ज्यादा है कि वो फौरन ही सारे फायदे खत्म हो गए, पूरा सी पैक बंद करके इनको 6 बिलियन IMF से मिला, उसकी भी दूसरी तीसरी ट्रांच के बाद खत्म हो गया, बिगाड़ ली, हर एक से बिगाड़ ली, तो वो होगा तो शॉर्ट टर्म ही। अब आखिरी बात, जो आखिरी शॉर्ट सवाल मैं आपसे करूंगी, हमारा टाइम एक्चुअली अप हो चुका है, कि नजर आ रहा है कि करना चाहते हैं, नजर आ रहा है कि हवा बनाना चाह रहे हैं, नजर आ रहा है कि आगे पीछे भी जा रहे हैं, कभी मिडल ईस्ट वहां उस पर जाते हैं, क्या नाम है, UAE, कभी कहां कभी कहां, क्या ये कर पाएंगे? आखिरी सवाल, विल दे बी एबल टू, विल दे एक्चुअली गेट इट डन, विल दे बी एबल टू गेट इट डन?
इस पे खत्म करेंगे? आई डोंट थिंक सो. एक तो ये कि इमरान बाजवा रजीम की लेजिटिमेसी नहीं है, और ये सारी दुनिया को नजर भी आ रहा है कि इनकी लेजिटिमेसी नहीं है, खुद उनको भी मालूम है कि लेजिटिमेसी नहीं है. वो लाइक आई सेड दैट दे आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज, एंड दिस बीइंग एन इंटरनेशनल स्ट्रॉ जिससे उनको कुछ फाइनेंशियल विंडफॉल की तवक्को है, लेकिन इसका जो डोमेस्टिक फॉल आउट है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे. जो पाकिस्तान में पीडीएम की तहरीक चल रही है ये उसको इतना बढ़ावा देगी कि ऑलरेडी इमरान बाजवा को ये मसला संभालना मुश्किल हो रहा है. वो लोगों के तरले डाल रहे हैं किसी तरीके से, ये करवा दें वो करवा दें. मेरा ख्याल है ये इनके गले पड़ जाएगा और ये संभाल नहीं सकेंगे. करना भी नहीं चाहिए, उसूलन भी नहीं करना चाहिए. और अगर सिर्फ रियल पॉलिटिक के हिसाब से भी देखा जाए तो फिर भी इनको शायद नहीं करना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब का और मेरा भी मशवरा तो यही होगा कि ना करें, कोशिश भी ना करें, क्योंकि एक तो आपसे होना नहीं है, और अगर हो गया तो उसके शॉर्ट टर्म मेरा ख्याल है आपको फायदे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है. क्योंकि एक बार डॉक्टर साहब ने जो बीच में की थी प्रोग्राम के, वो ये है कि पाकिस्तान के हर तबके में, ये सिर्फ एक इस्लामी मखसूस छोटा कोई तबका नहीं है, लेकिन हर तबके में, हर पोलिटिकल पार्टी और पूरे स्पेक्ट्रम में फलस्तीनियों के लिए हमदर्दी बेशुमार है. तो आज के लिए इतना ही. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. शुक्रिया. और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहे. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू. वेलकम.